हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और क्विक रीड जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जानिए उनके दिल की बात इस रीडिंग के साथ। इसमें हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और क्विक रीड होगी तो ज़्यादा कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे। लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा राइट नाउ। लेट्स बिगिन। सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जो लोग स्पेशली नो कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है राइट नाउ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो अपने करियर और फाइनेंसिस को लेकर अचीव करना चाहता था, मुझे लगता है कि वो कर चुका है। सो अगर उसने आपको हमेशा इग्नोर किया था तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी रिकन्सिलिएशन होने वाली है, क्योंकि इन दैट सिचुएशन जो वो अचीव करना चाहता था शादी से पहले, लव लाइफ को परसू करने से पहले, वो कर चुका है। और वो काफ़ी हद तक चाह रहा है कि आप और यू नो वो एक दूसरे के साथ आ जाएं, और वो अब मेंटली फिजिकली इमोशनली फ्री है कि वो आपको या लव लाइफ को टाइम दे सके। लेट्स सी के और मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए राइट नाउ, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। मुझे लगता है कि वो अपने करियर से रिलेटेड डेफिनेटली गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है। सो हो सकता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए हो जो कि इन टच नहीं है, और अगर इन टच हो भी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करने वाला है या करना चाहता है। आई एम ट्राइंग टू थिंक वट आई वॉन्ट टू से टू यू। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी इस इंसान का मैसेज जो है वो रिसीव करो, और इसको समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे क्या कहे और कैसे कहे। हो सकता है कि स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए होगा जो कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर जहाँ पर आपकी बात ज़्यादा नहीं होती। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन उसको समझ नहीं आ रहा, शायद कि हमेशा उस तरह का पर्सन हो इस कनेक्शन में जहाँ पर वो कभी भी यू नो अपने प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर यू नो एक्सप्रेसिव नहीं हुआ हो, क्योंकि इसको अब भी यू नो आपको बताना या आपसे शेयर करना अपनी गुड न्यूज़, उसको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे कहूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका गलत मतलब ले जाओ, या आप उसको ऐसे ना ले जाओ कि शायद ये मिस कर रहा था या कर रही थी पर्सन आपका। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक काफ़ी कैलकुलेट करके मूवमेंट जो है वो लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। आई एम एडिक्टेड टू यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे यू नो आपको लेकर एडिक्टेड है। यू नो हो सकता है कि अगर स्पेशली आप नो कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कि मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जो कि नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हैं, चाहे अभी रीसेंट नो कम्युनिकेशन है या बहुत पुरानी नो कम्युनिकेशन चल रही है आप लोगों की। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको मिस करता है और कहना चाहता है कि शायद वो आपकी, आप जो उस इंसान को दे रहे थे एक प्यार, एक फीलिंग, एक अटैचमेंट जो थी उसकी आपके साथ, अब उसको रियलाइज़ होता है कि वो आपका यू नो आपके मैसेजेस अगर आप उसको करते रहते थे बैक एंड फोर्थ, तो उन चीज़ को मिस कर रहा है, और वो आपसे कहना चाहता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेट्स टेक वन मोर मैसेज इस वाले डेक से, देखते हैं कि क्या और मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। लेट्स सी। I am a better person because of you. कहीं ना कहीं वो अपने सक्सेस का क्रेडिट भी आपको देना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आपकी वजह से वो अब एक बेटर इंसान है। सो या ये थे मैसेजेस आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। अगर रेजोनेट किए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।